सब्सक्राइब कीजिए ईएसए क्लासेस चैनल को और बेल आइकन दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। लॉगरिथम्स में यूज किए जाने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है ये। सबसे पहले है प्रोडक्ट का फॉर्मूला, इसको एक एक एग्जांपल की मदद से हम समझ लेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास है लॉग बेस 2 5 मल्टीप्लाइड बाय 6, तो आपको इसको ऐसा लिख सकते हो लॉग बेस 2 5 प्लस लॉग बेस 2 6। बहुत ही सिंपल। आपको यहाँ पे एक बात और ज़रूरी याद रखनी है, वो ये लॉग टू द बेस 10 और लॉग टू द बेस e, ये दो बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉग्स है। अगर लॉग का बेस 10 हो तो उसे कॉमन लॉगरिथम बोलते हैं, और लॉग का बेस e है तो उसे नेचुरल लॉगरिथम बोलते हैं। e मतलब होता है एक नंबर है जो कि 2.7 है उसकी वैल्यू नियरली, आपको ये याद रखना है। ये मैथमेटिक्स में काफ़ी यूज़फुल है, ये फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत यूज़फुल होता है। दूसरा है क्वोशेंट का रूल। इन सभी के हम प्रूफ भी कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। पहले रूल्स देख लेते हैं। ये वाला रूल, इसका मतलब ये है लॉग, अब बेस हम कुछ भी ले सकते हैं, हर बार एक ही लेना ऐसी कोई बात नहीं है, बेस 5 12 डिवाइडेड बाय 0.3। तो आप इसको लिख सकते हो लॉग बेस 5 12 माइनस फिर ये वाला लॉग बेस वही 5 0.3। पावर का रूल ऐसा है, इसका मतलब लॉग बेस 3 फॉर एग्जांपल 6 raised to 4, तो आप ऐसा लिख सकते हैं 4 लॉग 3 बेस एक्चुअली 6। बेस बदलना नहीं है, वही रखना है, बाकी कुछ नहीं। एक्चुअली साइंस में ये जो बेस है ना यूजुअली 10 रहता है, तो ये हर बार लिखते भी नहीं है। लॉग लिखा है इसका मतलब बेस 10 ही होता है। उसके बाद है रूट, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत ही सिंपल सी बात है। एक्चुअली इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं लॉग एक्स रेस टू 1/p। रूट पी का मतलब ही होता है ना 1/p, तो ये पावर का ही है, ये कोई अलग रूल नहीं है। फिर भी अगर आपके पास है लॉग रूट फिफ्थ रूट ऑफ 12, देन यू कैन राइट लाइक दिस 1/5 लॉग 12। अब मैंने यहाँ पे बेस नहीं लिखा, लेकिन आपको समझना है अगर बेस कोई भी हो, फॉर एग्जांपल 3 है, तो यहाँ पे भी 3 ही रहेगा। याद करने के लिए आसान है इसलिए मैं हर बार बेस नहीं लिखूँगा, लेकिन बेस सेम रहता है आपका लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, तो याद करने के लिए आसान हो जाता है। तो जैसे कि मैंने बोला याद रखना है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं लॉग 12 पावर 1/5। तो ये जो 1/5 है इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, ये बच्चों वाली बातें हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। इसको 1/5 जैसे कि इधर लिखा है, ये भी रूल हो गया, क्लियर। ओके, लॉग के और भी कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जैसे कि लॉग का बेस और आर्गुमेंट सेम है तो लॉग आपका आता है 1। लॉग का बेस कोई भी हो लेकिन किसी का आर्ग्यूमेंट अगर 1 है तो उसके वैल्यू हमेशा 0 आती है, लॉग ऑफ 1 इज़ ऑलवेज 0। फिर उसके बाद लॉग एक्स टू द बेस ए का मतलब होता है लॉग एक्स अपॉन लॉग ए, और यहाँ पे बेस आप कुछ भी लिख सकते हो, एनी बेस चलेगा, कोई भी
एनी बेस यम, उसके बाद है लॉग एक्स टू द बेस ए का मतलब होता है वन अपॉन लॉग ए टू द बेस एक्स। देखिए ये उल्टा हो जाता है अगर रेसिप्रोकल लोगे तो। ये सभी के सभी रूल्स इंडाइसेस से आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनका प्रूफ बहुत ईजी होता है। और ये फाइनल रूल देखिए, लॉग एक्स टू द बेस सॉरी एक्स पावर ए इंटू वाई पावर बी का मतलब होता है ए लॉग एक्स प्लस बी लॉग वाई, यानी कि लॉग आपके पास है थ्री स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय प्लस नहीं फाइव रेस टू फोर, तो ये होगा आपका टू लॉग थ्री प्लस फोर लॉग फाइव। फॉर एग्जाम्पल इसका देखना है हमको, तो सिंपल सी बात है एक्स और वाई इसके लिए कुछ पकड़ना है, इसके लिए कुछ पकड़ना है, मतलब लॉग एक्स इज इक्वल टू यम। सबसे पहले तो प्रूफ्स की ज़रूरत नहीं होती क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, बस इंटरेस्ट के लिए मैं दे रहा हूँ, इसको स्किप कर सकते हो आप। ऑफकोर्स बेस बी ही है हमेशा, समझना है लॉग वाई टू द बेस बी, इसका मतलब है लेटेस्ट से यन। तो इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, बाय द डेफिनेशन ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल टू बी रेस टू यम, और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं वाई इज इक्वल टू बी रेस टू यन। बाई यूजिंग द इंडाइसेस रूल्स, अगर मैं इन दोनों को सबसे पहले तो मैं अगर इसको वन और टू बोल दूँ और वन मल्टीप्लाइड बाय टू मैं कर दूँ इक्वेशंस को, तो एक्स मल्टीप्लाइड बाय वाई इज इक्वल टू मेरे पास बनेगा बी रेस टू यम मल्टीप्लाइड बाय बी रेस टू एन। सो सिंपल सी बात है एक्स वाई इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ रहा है बी रेस टू यम प्लस एन, क्योंकि बेस कॉमन है तो पावर की एडिशन होनी वाली है, सिंपल सी बात है। अभी अगर ऐसा है तो फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ लॉग मैं लिख सकता हूँ ये बेस है तो लॉग ऑफ एक्स वाई टू द बेस बी इज इक्वल टू एम प्लस एन बाय द डेफिनेशन ऑफ लॉग, ये लिख सकते हैं ना हम, ये तो डेफिनेशन है लॉग की। तो सिंपल सी बात है लॉग बेस बी एक्स वाई इज इक्वल टू यम, देख लो ऊपर एक बार, यम का मतलब है लॉग एक्स, एन का मतलब है लॉग वाई, हो गया काम अपना, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई हो गई पहले डेफिनेशन क्लियर। अब दूसरी देखते हैं, अब डिवीजन को आपको करना है तो सिंपल सी बात है इन दोनों को मल्टीप्लाई करने की जगह पर क्या करो आप डिवाइड करो बस, तो दूसरा रूल भी आ जाएगा आपका। अब इस रूल को प्रूव करते हैं हम, लॉग एक्स रेस टू पी इज इक्वल टू पी लॉग एक्स। यहां पे एक बात याद रखनी है ये एक्स की पावर है, ये ऐसा नहीं है, दिस इज नॉट लाइक दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये गलत है, ऐसा होना चाहिए। अब इसको प्रूव करना है, आप सोचो क्या कर सकते हो, बस रूल्स इंडाइसेस के रूल से ही करना होता है। ऑफ कोर्स बेस बी होना चाहिए भैया, इसको भूलना नहीं है। तो क्या करो आप, इसको कुछ तो ले लो, तो क्या ले सकते हो, लेट अस से दिस लॉग बेस बी एक्स इज नथिंग बट यम। सो बाय डेफिनेशन ऑफ लॉग मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, एक्स इज इक्वल टू बी रेस टू यम। अब दोनों के पावर में पी को चढ़ा दो, रेज बोथ साइड्स बाय पी, सो एक्स रेस टू पी इज इक्वल टू बी एम रेस टू पी, ये तो सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन है, तो एक्स रेस टू पी इज इक्वल टू बी रेस टू एम पी, ये इंडाइसिस के लॉ है। इंडाइसिस के लॉ क्या होते हैं देखने के लिए सर्ट्स और इंडाइसिस देख लो आप, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। अब बाय डेफिनेशन ऑफ लॉग ये बेस बन जाएगा आपका और ये आर्गुमेंट बन जाएगा, तो सिंपल है लॉग बेस बी एक्स रेस टू पी इज एम पी, बट वॉट इज यम, यम इज दिस, या फिर मैं इसको पी एम भी लिख सकता हूँ ना, सो पी और यम क्या है लॉग बेस बी एक्स, हो गया आपका प्रूफ। अब इसके आगे जो ये है लॉग एक्स
रूट पी, इसको आप कर सकते हो, ठीक है ना। बस इसको आप ऐसा लिख लो, एक्स रेस टू वन अपॉन पी, सिमिलर फैशन में कर दो। फिर ये भी देखना है लॉग एक्स एक्स इक्वल टू वन क्यों होता है, क्या इसको देखना ही क्या है, लेट इसको हम यम बोल लेते। लॉग एक्स एक्स इज इक्वल टू यम, कोई भी वैल्यू हो तो बाय डेफिनेशन ऑफ लॉग क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू यम रेस टू एक्स। अब ये तभी हो सकता है जब यम इक्वल टू वन हो, दूसरे के लिए तो ये पॉसिबल ही नहीं है। नहीं, ये क्या गलत हो गया, यहाँ पे उल्टा हो गया ना, क्या उल्टा हो गया, ये बेस ये होना चाहिए और ये पावर, तो ये तभी हो सकता है ना कि ये वन वन के लिए ये ट्रू है, वन की कोई भी पावर वन ही होती है। इधर वन रखो, वन रेस टू कुछ भी करो, फोर फाइव कुछ भी, तो ये होल्ड करेगा। उसी तरीके से इसको भी प्रूव कर सकते हो, लॉग एक्स बेस ए, इसको आप लॉग एक्स अपॉन लॉग ए लिख लोगे, और बेस कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी नया बेस आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। इसको क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। देखो इसको कुछ पकड़ लो, कुछ भी पकड़ लो, पी पकड़ लो, इसको क्यू पकड़ लो, और इसको आर पकड़ लो, राइट। नाउ आपके पास है क्या है, आपके पास लॉग एक्स इक्वल टू आर लॉग एक्स बेस एम इक्वल टू पी लॉग ए बेस एम इक्वल टू क्यू, राइट। तो इससे आप क्या लिख सकते हो भाई, बाय डेफिनेशन ऑफ लॉग एक्स इज इक्वल टू ए रेस टू आर, इससे क्या लिखोगे आप, एक्स इज इक्वल टू एम रेस टू पी, और इससे क्या लिखोगे आप, ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू एम रेस टू क्यू। अब हमको क्या चाहिए, पी अपॉन क्यू चाहिए ना, मतलब हमको प्रूव क्या करना है, आर इक्वल टू पी अपॉन क्यू, बस यही तो प्रूव करना है। देखिए जो प्रूव करना है इसको मैंने इधर लिख लिया, ये इधर, राइट। अब सोचो कैसे कर सकते हो, बस आप ओके, इतना सब करने की जरूरत नहीं, बस इसको ले लो आप, लॉग एक्स ए, इसको आप ले लो आर, तो इसका मतलब आप इसको क्या लिख सकते हो, यहाँ पे नीचे लिखूँगा मैं, बाय डेफिनेशन ऑफ लॉग वी कैन राइट दैट एक्स इक्वल टू आर रेस टू ए, या फिर ए रेस टू आर, देखिए उल्टा नहीं होना चाहिए, ए रेस टू आर। तो दोनों साइड को आप क्या करो, लॉग सी ले लो, टेक लॉग सी ऑन बोथ साइड, सो लॉग सी एक्स इज इक्वल टू लॉग सी ए पावर आर। तो सिंपल सी बात है, आपके पास है लॉग एक्स बेस सी इक्वल टू, अब ये लॉग की प्रॉपर्टी से आर इधर आ गया, तो आर लॉग सी ए, तो आर इक्वल टू क्या आता है आपका, लॉग एक्स बेस सी अपॉन लॉग ए बेस सी, बट व्हाट इज आर, आर इज दिस, सो लॉग एक्स बेस ए इक्वल टू लॉग एक्स बेस सी अपॉन लॉग ए बेस सी, सो दिस इज योर प्रूफ, राइट। इसी तरीके से आप सभी के प्रूफ्स निकाल सकते हैं, ओके।